हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूँ हमारी छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 का एक और वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्साइज एक्ट का चैप्टर नंबर 5, जो कि है केवल 4 सेक्शन का, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लेंदी और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारे सेक्शन नंबर 25 से लेके सेक्शन नंबर 27 ए तक को पढ़ के खत्म कर देंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें लिखा क्या है। तो जैसा कि आपको मेरे पीछे लिखा दिख रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसमें टॉपिक में क्या है, ड्यूटीज एंड फीस, यानी कि ड्यूटीज एंड फीस के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है सर, तो आज हम सेक्शंस का जरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हमने पढ़ना है सेक्शन नंबर 25, 26, 27 और 27 ए, जो कि एक अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था। यानी कि सेक्शन है केवल 4, लेकिन इसको भी खत्म करने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पोर्शन के अंडर में आता है। अब इसको शुरू कर लेने से पहले यह समझ लेते हैं कि यह चैप्टर डील किसके बारे में करता है। तो जैसा कि आपको पीछे लिखा दिख भी रहा होगा, ड्यूटीज एंड फीस इसका मतलब होता है वो कौन कौन से किस्म के टैक्सेस जो इस एक्ट के अंतर्गत लगाए जाते हैं, या वो कौन-कौन सी किस्म की फीस है जो कि वसूली जाती है। किससे वसूली जाएगी सर? जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है, या जो क्या कर रहा है, शराब बेच रहा है इस एक्ट के अंतर्गत, या वो सभी लोग जो इस एक्ट के अंतर्गत गवर्न होते हैं, उनसे किस-किस तरीके से पैसों को रिकवर किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कब टैक्स लेगी, किन-किन लोगों से टैक्स लेगी, कब-कब उनको टैक्स से माफी देगी, कब-कब उन लोगों को छोड़ देगी कि नहीं तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा लेकिन तुमसे लिया जाएगा, इन सारी चीजों का जिक्र आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन नंबर 25 से। अब जब हम सेक्शन नंबर 25 को पढ़ने आते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है हमें, क्योंकि सेक्शन नंबर 25 स्प्लिट है मल्टीपल सबसेक्शंस में और सबकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ब्रेकडाउन है, इधर-उधर से कनेक्टेड है, तो हमारे दिमाग में खिचड़ी सी बन जाती है कि पता नहीं क्या कहने की बात कर रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सारे सबसेक्शंस को ब्रेकडाउन करके चार्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमें समझना कैसे है और हमारी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 25 से, जो कि बात करता है ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल्स की। अब ये ड्यूटी का मतलब क्या होता है सर? मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको यहीं से समझा देता हूं। ड्यूटी का मतलब हम मान के चलेंगे किसी प्रकार का टैक्स, यानी किसी प्रकार का पैसा जो कि खरीदारी में या कोई काम करने के लिए आपसे वसूला जा रहा है। और एक्साइजेबल आर्टिकल का मतलब हमने इस वीडियो लेक्चर में बहुत ध्यान से पढ़ लिया है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एक्साइजेबल आर्टिकल का मतलब हम हमेशा मान लेते हैं शराब, उसका मतलब अलग अलग भी हो सकता है लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, शराब, ताकि हमारे दिमाग में समझने में आसानी हो। ठीक है सर, तो ये क्या कह रहा है, एन एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अब हम यहां पे ही ब्रेकडाउन ले लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी मतलब कि एक्साइज एक्ट के अंतर्गत वसूलने वाला कोई टैक्स कहलाएगा एक्साइज ड्यूटी। कैसे सर? इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई एक्साइज एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि आपने शराब की कोई फैक्ट्री लगाई, तो उसमें आपकी जितनी भी ड्यूटी यानी कि टैक्स देना आपको बनता है वो कहलाएगी एक्साइज ड्यूटी। अब मान के चलिए कि एक शराब आप बना के बेच रहे हैं जो कि इंडिया में है और उसकी कीमत है 1500 रुपए, और उसी सेम कंपोजिशन की शराब एक अमेरिका से बन के आ रही है जिसकी कीमत है 1000 रुपए। शराब दोनों सेम क्वालिटीज की हैं, बस लेकिन अमेरिका में टैक्स लगाने के बाद भी अमेरिका की शराब जो है यहां पे 1000 रुपए की बिक्री है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका की शराब हर कोई खरीदेगा क्योंकि वो सस्ती है। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मतलब यह होता है कि जब बाहर से आने वाले किसी प्रोडक्ट पे जो कि इंडियन प्रोडक्ट से सस्ता हो जा रहा है टैक्स लगाने के बाद, तो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया जाए ताकि उसका जो प्राइस है वो इंडियन प्राइसेस के साथ मैच हो जाए, ताकि मार्केट में कंपटीशन हमेशा सिमिलर रहे। आमतौर पे चाइना ये चीज करता है कि वो इतना ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर देता है कि टैक्स लगाने के बावजूद जो चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडियन मार्केट में सस्ते हो जाते हैं, और वहां पे क्या लगाई जाती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, यानी कि दोनों प्रोडक्ट पे लगने तो 20% ही टैक्स थे लेकिन 20% टैक्स लगने के बाद एक का प्रोडक्ट अभी भी ज्यादा का है रेट और दूसरे का कम है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा के दोनों के रेट को मैनेज कर दिया गया। तो यहां पे क्या कह रहा है कि कोई किसी भी प्रकार की एक्साइज ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी, जैसा भी केस हो, इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी लेविड ऑन ऑल एक्साइजेबल आर्टिकल्स अदर देन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस स्पेसिफाइड फॉर द टाइम बीइंग इन द शेड्यूल टू द मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को जब सही लगे तो वह एक एक्साइज ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकता है उन सभी प्रोडक्ट्स पे जो इस एक्ट के अंतर्गत एक्साइजेबल आर्टिकल माने जाते हैं। और उसके साथ ही साथ क्या कहा गया है, बस एक चीज पे वो नहीं लगा सकता है, वो कौन-कौन सी चीजें हैं सर, वो है आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, जो कि इस 1955 के मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस
एक्साइज एक्ट के अंतर्गत आता है। अब ये बात हम आगे समझेंगे टेबल पे, अब और भी पढ़ लेते हैं ये टैक्स किन चीजों पे लग सकता है, उस प्रोडक्ट के इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट पे, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, कलेक्टर, कलेक्शन अंडर एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13, सेक्शन नंबर 13 के अंदर लाइसेंस ग्रांट होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड एनी डिस्टिलरी एस्टैब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्रूअरी लाइसेंस अंडर दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एग्जेम्प्ट एनी एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम एनी ड्यूटी टू विच द सेम मे बी लाइबल अंडर दिस एक्ट। अब इसको स्टार मार्क करते हैं प्रोविजो को और फटाफट टेबल पे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसने हमें समझाया क्या। अब इस टेबल को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि सर किसी भी प्रकार की एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, यानी कि किसी भी प्रकार का टैक्स इंपोज कर सकती है राज्य सरकार। कौन करेगा सर? स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग यहां पे फटाफट लिख देते हैं एसजी, जिसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है सर। अब उसके बाद बोला कि ये जो टैक्स है इससे छूट किसको मिली है, तो यहां पे देखिए एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, जो भी आपके मेडिसिनल या टॉयलेट के प्रिपरेशन के समान है उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट इस एक्ट के अंतर्गत टैक्स नहीं लगा सकती। तो हमने एक लाइन खींची और यहां पे क्या डाल दिया, एक्सेप्शन, यानी कि ये क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है सर, ये तो एक्सेप्शन हो गया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट टैक्स वसूल किस मामले में सकती है, तो ये आपको यहां पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये सारे एक्साइजेबल आर्टिकल्स के ऊपर टैक्स लगा सकती है। एक्साइजेबल आर्टिकल्स कौन से होते हैं? एक्साइजेबल आर्टिकल्स का मतलब होता है इस एक्ट के अंतर्गत वो सारे आर्टिकल्स जिनको एक्साइजेबल माना गया, यानी जिनके अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत जिनसे टैक्स वसूला जा सकता है, जैसे शराब हो गई, आपकी ताड़ी हो गई, फिर भांग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एक्साइजेबल आर्टिकल है। हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, एग्जांपल के तौर पे शराब, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो शराब के इंपोर्ट पे, यानी कि अगर शराब को आप बाहर से अंदर मंगा रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में मंगा रहे हैं, तो आप टैक्स लगा सकते हैं। एक्सपोर्ट, अपने स्टेट से बाहर भेज रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। ट्रांसपोर्ट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है लेकिन आपके स्टेट के होकर गुजर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आप टैक्स लगा सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, उसके बाद क्या किया जा रहा है, अगर आपके पास लाइसेंस है और अगर आप शराब बना रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर आप उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, जैसे भांग को कल्टीवेट करना पड़ता है, उगाना पड़ता है, और उसके बाद क्या है, कलेक्शन, यानी कि उगाया किसी और ने, मैन्युफैक्चर किया किसी और ने, लेकिन आपके वेयर हाउस में क्या है, कलेक्ट होकर रखा जा रहा है, तो उस केस में भी क्या लगाया जा सकता है, टैक्स लगाया जा सकता है। और उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी डिस्टिलरी और ब्रूअरी। डिस्टिलरी और ब्रूअरी में मैंने आपको फर्क बता दिया था इससे पिछले वीडियो में, तो जो डिस्टिलरी या ब्रूअरी में भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। यह है हमारा सबसेक्शन 1। लेकिन इसका प्रोविजो भी हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और उसको हम अभी यहां पे समझ लेते हैं। प्रोविजो क्या कह रहा है, ये लॉफुल होगा, यानी कि ये पूरी तरीके से कानूनी तरीके से वैध माना जाएगा अगर स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, एग्जेम्प्ट कर दे किसी एक्साइजेबल आर्टिकल को। यानी कि हमने यहां पे क्या पढ़ा कि अगर कोई एक्साइजेबल आर्टिकल जो कि मेडिकल या टॉयलेट प्रिपरेशन का नहीं है, तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स लगा सकती है, उसके इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, किसी भी चीज पे टैक्स लगा सकती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी एक्साइजेबल आर्टिकल के इंपोर्ट को या केवल उस एक्साइजेबल आर्टिकल पे ही क्या बोलेगी कि मैंने तुम्हें टैक्स से छूट दे दी है, कुछ परसेंट की या 100% तुम्हें छूट दे दी है टैक्स से, और ये करना क्या होगा, लॉफुल होगा। ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 25 के सब क्लॉज 1 का प्रोविजो। तो हमारा सब क्लॉज 1 तो खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है ड्यूटी में भी इंपोज्ड अंडर सबसेक्शन 1 एट डिफरेंट रेट्स अकॉर्डिंग टू। अब ये क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ड्यूटी है, यानी कि ये जो टैक्स है, ये अलग अलग रेट्स पे लगाया जा सकता है। किसके बेस पे, द प्लेस टू विच एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इज टू बी रिमूव्ड। क्या कह रहा है कि जिस जगह पे वो एक्साइजेबल आर्टिकल लेके जाना है या जिस जगह से वो लेके जाया जा रहा है, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, यानी कि शराब की स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि 50 बोतलें शराब है या फिर आपकी स्ट्रेंथ क्वालिटी क्या है, यानी कि वो बियर किस क्वालिटी की आ रही है, अगर वो कहीं फॉरेन से आ रही है या फिर वो किसी ऐसी जगह से बन के आ रही है जिसकी क्वालिटी सबसे फाइनेस्ट मानी जाती है, तो हो सकता है उसके ऊपर टैक्स थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है सर। द यूज ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वो एक्साइजेबल आर्टिकल किस पर्पस के लिए यूजफुल है, अब इसको समझने की कोशिश करिए। एक शराब की बोतल जो बन के आती है, यानी कि अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, अल्कोहल कंटेंट उसमें भी होता है जो बियर आप पीते हैं, और अल्कोहल कंटेंट उसमें भी होता है जो मेडिसिन आप यूज करते हैं या जो ड्रग्स आपको दिए जाते हैं या अलग अलग चीजों के लिए जो एक्साइजेबल आर्टिकल है, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो अगर वो पीने के पर्पस के लिए है तो उसमें लगा दिया 20% टैक्स, और अगर वो मेडिसिनल पर्पस के लिए तो उसके ऊपर लगाया केवल 15% टैक्स। इस तरह की चीजें राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। द वैल्यू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि उस एक्साइजेबल आर्टिकल, यानी कि उस शराब की वैल्यू एक्चुअल में कितनी बन रही है प्रिंसिपल्स के हिसाब से, उसको देख लेंगे, हमारे लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि ऑलरेडी मार्क्ड भी मैंने कर दिया था, 10% सरचार्ज ऑन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल विल बी पेएबल व्हिच शैल बी ट्रांसफर्ड टू रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। अब ये कह रहा है कि 10% का सरचार्ज, मतलब कि क्या है, 10% का एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो भी लगा सकती है कौन,
स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो लगाएगी इसका क्या करेगी, इसको जो है लोकल बॉडीज जो है रूरल या अर्बन उनके डेवलपमेंट के लिए उनके पास भेज दिया जाएगा। अब यहां पे भी हमें टेबल से समझने में ज्यादा आसानी होगी। अब ये क्या कह रहा है, हमने सबसेक्शन 1 में देखा था कि इस भाई साहब ड्यूटी जो है वो इंपोज कर सकते हैं। किस चीज पे इंपोज करेंगे, यानी कि टैक्स इंपोज करेंगे, उसके आने जाने ले जाने लाने सब चीजों पे कर देंगे। लेकिन अब यहां पे बोल रहा है कि जो ड्यूटी आप लगा रहे हैं यानी कि जो टैक्स आप वसूल रहे हैं उनको किस किस चीजों के बेस में अलग अलग रेट्स में लगाया जा सकता है। तो भाई पहला प्लेस, भाई किस जगह पे शराब आ रही है, किस जगह से जा रही है, उस जगह के हिसाब से टैक्स में फर्क हो सकता है। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी, अब अगर कोई शराब 2 ट्रक जा रही है और कोई शराब केवल 2 कार्टन जा रही है जिसके अंदर केवल 20 बोतलें और एक जगह पे 20,000 बोतलें, तो दोनों के ऊपर टैक्स के अमाउंट अलग लगाए जा सकते हैं कि भाई अगर इस क्वांटिटी से ज्यादा जाओगे तो 30% टैक्स लगेगा। तो भाई स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी की भी बात आ गई। अब अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो भाई अगर एक शराब आ रही है जो कि छत्तीसगढ़ में लोकली बन रही है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर क्या किया, टैक्स कम रखा हुआ है कि ऑलरेडी सस्ती है इसको रहने दो ताकि हमारा लोकल प्रमोट हो। एक बाहर से बन के आ रही है जो कि बहुत पॉपुलर है तो उसके ऊपर टैक्स थोड़ा और बढ़ा दिया। उसके बाद आता है यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अब भाई जिस पर्पज के लिए वो शराब यूज हो रही है, अगर वो शराब यूज होने वाली है किसी आपके, अगर वो अल्कोहल जो है जो कि बन के तैयार हुआ है, जो स्पिरिट है जो बन के तैयार हुई है, वो यूज होने वाली है हॉस्पिटल्स में, तो उसकी क्या करी गई, टैक्सेबिलिटी कम कर दी गई। अगर वो यूज होने वाली है होटल्स में पीने के लिए तो उसकी टैक्सेबिलिटी बढ़ा दी गई। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से। और आखिरी में हमने देखा था कि 10% सरचार्ज जो है वो क्या किया जाएगा सर, वो जो 10% सरचार्ज है वो भी लगा सकती है, यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकती है एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर। उसके बाद उसको अर्बन एंड लोकल बॉडीज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, किस बेसिस पे, उनकी पॉपुलेशन की बेसिस पे, ताकि उनका डेवलपमेंट एक्सेट्रा हो सके। ठीक है सर, उसके बाद आता है हमारे पास सबसेक्शन 3। ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में हमने क्या देखा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात की, कहां-कहां टैक्स लग सकता है। उस सेक्शन के होते हुए भी ड्यूटी शैल नॉट बी इंपोज्ड देयर अंडर टू एनी आर्टिकल व्हिच हैज बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड वाज लायबल टू सच इंपोर्टेशन और ड्यूटी अंडर सी कस्टम्स एक्ट 1878 और द इंडियन टैरिफ एक्ट 1894। और इसका जो पार्ट 2 है वो ऑमिट कर दिया गया। इसको फटाफट टेबल पे जाते हैं और वहीं समझने की इसको हम कोशिश करेंगे। ये क्या कह रहा है भाई, सबसेक्शन 1 ने बोला कि कहां पे ड्यूटी लगाई जा सकती है और सबसेक्शन 2 ने बोला कि ड्यूटी हाउ मेनी टाइप्स, किस तरीके से लगाई जाएगी। अब सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि कोई ड्यूटी यानी कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। किससे नहीं लिया जाएगा, किसी भी आर्टिकल से। आर्टिकल कौन सा हो सकता है, वो होना चाहिए सर एक्साइजेबल। एक्साइजेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि शराब मान लेते हैं सर, तो किसी भी शराब की बोतल पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूल किया जाएगा अगर वो इंपोर्ट करी गई है इंडिया के अंदर एंड उसने ऑलरेडी जो है इंपोर्टेशन में ड्यूटी दे दी है। यानी कि अगर उसको देश के बाहर से लाया जा रहा है और उसने ऑलरेडी जब देश के अंदर आई तो उसने टैक्स पे कर दिया था, लेकिन 2 एक्ट के बेस पे उसने टैक्स पे किया था, जिसको हम फटाफट यहां देख लेते हैं। पहला है सी कस्टम्स एक्ट 1878, इसको यहां स्टार मार्क कर लेते हैं, और दूसरा है इंडियन टैरिफ एक्ट 1894। यानी कि इन 2 एक्ट्स के अंतर्गत अगर कोई शराब की आई है बोतल या कोई शराब का लॉट आया है या कोई भांग आई है या किसी प्रकार का कोई और अल्कोहलिक सब्सटेंस आया है और वो देश के बाहर से आया है और इन दोनों एक्ट के अंतर्गत उसने ऑलरेडी कोई टैक्स दे दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट दोबारा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार टैक्स दे चुकी है। ठीक है सर, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सबसेक्शन 4। ये क्या कह रहा है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड टू प्रीक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनहांसिंग और रिड्यूसिंग द रेट्स ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड द पावर टू एनहांस और रिड्यूस द रेट ऑफ ड्यूटी शैल इंक्लूड पावर टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू सच एनहांसमेंट और रिडक्शन फ्रॉम अ डेट नॉट अर्लियर देन द कमेंसमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। ये बड़ी मामूली सी बात कह रहा है लेकिन इतने टफ वर्ड्स लिखे होते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इस सेक्शन में लिखा हुआ कुछ भी जो है ये क्या करेगा, प्रीक्लूड नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम को, ताकि वो एनहांस कर सके या रिड्यूस कर सके रेट्स को या ड्यूटी को, यानी कि जो टैक्स लगाया जा रहा है उसके दामों को स्टेट गवर्नमेंट ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, लेकिन कर सकता है। अगर वो कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसको इफेक्ट में कब से लाएगा, फाइनेंशियल ईयर से। अब इसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, हमें बात तुरंत समझ में आ जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एनहांस कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है, किसको, ड्यूटी को यानी कि टैक्स को। उसके बाद क्या लिखा है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नॉट अर्लियर, यानी कि उसको जो है आपको अगर इफेक्ट में लाना है, मान के चलिए कि आपने क्या किया, आपने जो है टैक्स को बढ़ा दिया, तो अगर आपको इफेक्ट में लाना है तो फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरेशन से लाना है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही आपको इसको इफेक्ट में लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि हमने जो रेट्स बढ़ा दिए हैं टैक्सेस के वो अब से एप्लीकेबल होंगे 21 सितंबर में। जो भी रेट्स बढ़ेंगे वो एप्लीकेबल होंगे कब से सर, वो एप्लीकेबल होने वाले हैं आपके लिए तब से जब से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। ठीक है सर,
तो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 26, ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है वेज ऑफ लेविंग सच ड्यूटी, इसका मतलब किस तरीके से इस टैक्स को इंपोज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एंड रेगुलेशंस द टाइम प्लेस एंड मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब। यानी यहां पे भी माई बाप कौन, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन जिस हिसाब से बना रही है उस तरीके से टैक्स को वसूला जाएगा। किसके बेस पे, मे प्रिस्क्राइब सच ड्यूटी शैल बी लेविड रेटिवली ऑन द क्वांटिटी ऑफ द एक्साइजेबल आर्टिकल। यानी कि ये बेसिकली किसके बेस पे हो रहा है, क्वांटिटी के बेस पे ये जो है टैक्स वसूला जा सकता है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी सर, समय समय पे रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस निकालती रहेगी और इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए उसी हिसाब से क्या किया जाएगा, टैक्स वसूला जाएगा। उसके बाद वो टैक्स किसके बेस पे वसूला जाएगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी सर, एक्साइजेबल आर्टिकल की। एक्साइजेबल आर्टिकल का मतलब क्या होता है सर, हमें तो ऑलरेडी पता है सर, अल्कोहल ही हम मान के चल रहे हैं, उसका मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि भांग होता है सर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि ताड़ी होता है सर। तो इन सारी की सारी चीजों को क्या है, क्वांटिटी के बेस पे इस पे क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। और वो क्या होगा, वो जो क्वांटिटी इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट की है, ट्रांसपोर्ट की है, कल्टीवेटेड की है, मैन्युफैक्चर की है, या जो इशू करी गई है लाइसेंस, उसके बेस पे भी लिया जा सकता है। तो इस सेक्शन में भी हमारे पास ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब हमारे पास आता है इसका प्रोविजो जो कि इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द ड्यूटी मे बी लेविड। अब ये क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट, इसका प्रोविजो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ड्यूटी लेवी करी जा सकती है ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बाय एन एकरेज रेट लेविड ऑन द कल्टीवेशन ऑफ द हेम्प प्लांट और बाय द रेट चार्ज ऑन द क्वांटिटी कलेक्टेड। अब इसको हम स्प्लिट करके समझने की कोशिश करते हैं, ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब क्या होता है, वो ड्रग्स जैसे कि भांग, यहां का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा भांग। तो हमने मान के चला कि भांग के बारे में बात हो रही है, तो ये कह रहा है ये बाय एन एकरेज, यानी कि भांग का पौधा उगाया जाता है, तो एकरेज का मतलब क्या होता है कि जिस लैंड के एरिया में आपने भांग के पौधे को उठाया है या जहां आपने उगाया है, आपने उसके बेस पे क्या किया, उससे टैक्स वसूला। यानी कि वो अगर 5 एकड़ में लगा हुआ है तो आपने 5 एकड़ के बेस पे वहां से टैक्स वसूल लिया। लेविड ऑन द कल्टीवेशन ऑफ द हेम्प प्लांट, हेम्प प्लांट मतलब भांग का पौधा होता है, और बाय रेट चार्ज ऑन द क्वांटिटी कलेक्टेड, या आप लगा सकते हैं टैक्स किसके ऊपर, जितनी क्वांटिटी कल्टीवेट करके आपके पास कलेक्शन में आई है। यानी कि जितना आपने कल्टीवेट कर लिया भांग के पौधे को, कल्टीवेट करके आपने क्या किया, कलेक्ट करके अपने पास एक वेयर हाउस में, अपने स्टोर रूम में रखा, तो वो जितना स्टोर होके आपके पास आया आप केवल उतने के ऊपर टैक्स लगाएंगे। समझने की कोशिश करिए, दो तरीके से ये बात कर रहा है। पहला क्या है, एकड़ के बेस पे, यानी कि अगर 5 एकड़ की जमीन है तो 5 एकड़ की जमीन के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। और दूसरा क्या है, दूसरे का मतलब है कि जितना आपके पास कलेक्ट होके आया, यानी कि जो भी कलेक्शन आया उसके बाद उग जाने के बाद आपने उसके ऊपर टैक्स लगाया। ऑन स्पिरिट और बियर मैन्युफैक्चर्ड इन एनी डिस्टिलरी एस्टैब्लिश्ड और एनी डिस्टिलरी और ब्रूअरी लाइसेंस्ड अंडर दिस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच स्केल और इक्विवेलेंस कैलकुलेटेड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड और बाय द डिग्री ऑफ एटीन्यूएशन ऑफ द वॉश एंड वॉट एज द केस मे बी एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब और बाय रेट चार्ज डायरेक्टली ऑन द मटेरियल्स यूज्ड। अब ये क्या कह रहे हैं, यहां पर भी इसने स्प्लिट किया दो को, जिसको हम आगे वाली टेबल में समझेंगे। ऑन ताड़ी बाय अ टैक्स ऑन ईच ट्री फ्रॉम विच द ताड़ी इज ड्रॉन। अब ये क्या कह रहा है, अब पहले यहां पर एक चीज को देख लीजिए, यहां पर लिखा है लिवाइड, यानी कि इस तरीके से ली जा सकती है, इस तरीके से ही ली जाएगी, ये इसका कहने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है टैक्स किस तरह लिया जाएगा, यानी कि ये जो ड्यूटी है, यानी कि ये जो टैक्स है, ये किस तरीके से लेवी किया जाएगा, लेवी मतलब उसके ऊपर थोपा जाएगा। तो अगर मामला इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का है तो एकरेज से लिया जाएगा या क्वांटिटी से। एकरेज का मतलब क्या है सर, एकरेज का मतलब है कि भाई अगर 5 एकड़ की जमीन थी तो 5 एकड़ की जमीन के हिसाब से तुम्हारा टैक्स बनता है रुपया इतना, या फिर रेट ऑन क्वांटिटी, यानी कि जितनी क्वांटिटी इस 5 एकड़ की जमीन पे भांग के पौधे को कल्टीवेट करने के बाद निकली, मान लेते हैं 500 केजी, तो आपने क्या किया, इस 500 केजी के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्पिरिट या बियर। स्पिरिट का मतलब हमने ऑलरेडी समझ लिया था, जिसमें अल्कोहल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अल्कोहल को कहते हैं स्पिरिट या बियर, जहां पता है हमें कि बियर में अल्कोहल कंटेंट कम होता है, वो ब्रूअरी में बनती है। ठीक है सर, तो यहां पर क्या कह रहा है, स्पिरिट और बियर के मामले में यह कैसे लिया जा सकता है सर, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्केल ऑफ इक्विवेलेंट्स और वॉश एंड वॉट, यानी कि वो क्या करेगा, वो मेजर करेगा कि भाई आपने जो है 5 किलो माल्ट लिया, यानी कि ज्वार लिया या गेहूं लिया, जिससे आपने क्या किया, उस बियर को बनाया, उसमें आपका इतना पोर्शन जो है वो धुल के साफ हो गया। यानी कि अब अगर आप 5 किलो जो आपने गेहूं या ज्वार लिया जिससे आप बियर बनाएंगे, जरूरी तो नहीं है कि वो पूरा का पूरा यूज में आए, उसमें कुछ सड़ जाएगा, कुछ फिक जाएगा। तो वो सारी चीजों को हटा देने के बाद जो बचता है, पहला कंडीशन कहता है कि आप उससे क्या करें, टैक्स वसूल लें, और दूसरा क्या कहता है, रेट चार्ज ऑन मटेरियल्स यूज्ड, यानी कि सीधा सीधा टैक्स आपने क्या लगा दिया, कि आपने उससे पूछा तूने कितना मटेरियल यूज किया, उसने
बोला सर मैंने इतने किलो चीनी ली, इतने किलो गेहूं या ज्वार लिया, इतने किलो मैंने पानी लिया, और उन्होंने उन तीनों का टोटल क्वांटिटी कॉस्ट करके उसके ऊपर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। ये हुआ दूसरा तरीका। और उसके बाद आ गया ताड़ी। तो ताड़ी का तरीका बड़ा सिंपल है। ताड़ी क्या कहता है कि जितना भी टैक्स लगाया जाएगा वो ईच ट्री के हिसाब से लगाया जाएगा, यानी कि अगर किसी पर्सन ने 20 ताड़ी के पेड़ से ताड़ी निकाली तो वो पूरे के पूरे 20 पेड़ों पे एक साथ टैक्स नहीं लगाएगा। अगर पर ट्री अगर आपका जो रेट है वो एक रुपए है तो उसके ऊपर 20 रुपए का टैक्स लगेगा, ना कि 20 पेड़ों का 10 रुपए। बस ये इतनी सी बात कहने की कोशिश यहां पे कर रहा है। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले पीछे जाके मैं दोबारा हाईलाइट कर दूं, ये ड्यूटी मे बी लिवाइड लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये लगाई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से ड्यूटी लगाई जाएगी। अब हम फटाफट देखते हैं सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 इसका। ठीक है सर, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 2 कह रहा है वेयर पेमेंट इज मेड अपॉन द इशू ऑफ एन एक्साइजेबल आर्टिकल फॉर सेल फ्रॉम अ वेयरहाउस इट शैल बी एट द रेट ऑफ ड्यूटी इनफोर्स ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ सच आर्टिकल फ्रॉम द वेयरहाउस। अब ये कह रहा है कि मान के चलिए अगर कोई शराब की बोतल है वो किसी वेयरहाउस में क्या है, स्टॉक्ड है। अब अगर वेयरहाउस में स्टॉक्ड है तो हो सकता है वो 6 महीने वहां पड़ी रहे, और हमने इस सेक्शन में ही पहले पढ़ लिया था कि स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे वो टैक्स को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। तो यहां पे ये केवल इतनी सी बात कह रहा है कि सर अगर मान के चलिए कि वो वेयरहाउस में क्या है 6 मंथ्स तक पड़ा हुआ था, शुरुआत में उसमें जो टैक्स लगना था वो 15% लगना था, लेकिन जिस वक्त वो वेयरहाउस से बिकने को गया, यानी कि जब वो वेयरहाउस में आया तो 15% टैक्स लगना था, लेकिन जब वो वेयरहाउस से फाइनली निकल के जा रहा है तो टैक्स लग रहा है 25%, यानी कि सरकार ने 25% टैक्स कर दिया है, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, वही 25% वाला टैक्स लगेगा। ये हमारा सबसेक्शन 2 हमें बताने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद सबसेक्शन 3 हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वेयर द रेट ऑफ ड्यूटी इज एनहांस्ड और रिड्यूस्ड। अब ये क्या कह रहा है, जब आपने पेमेंट कर दिया हो, यानी कि मान के चलिए कि आप किसी के आपके पास एक लाइसेंस है, आप वेयरहाउस में गए, आपने पेमेंट किया और आपने बोला कि भाई साहब मैं इस आर्टिकल को लेकर चला जाऊंगा, या आपने पेमेंट किया किसी और रीजन से, पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन इशू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम अ वेयरहाउस एंड द एक्साइजेबल आर्टिकल इज इन स्टॉक विद द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस एंड द एक्साइजेबल आर्टिकल इन स्टॉक शैल बी सब्जेक्ट टू द लेवी ऑफ ड्यूटी एट द रेट सो एनहांस्ड और रिड्यूस्ड एंड द डिफरेंस इन ड्यूटी शैल बी पेबल एंड रिफंडेबल एज द केस मे बी बाय और टू द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस विद होम सच ड्यूटी पेज एक्साइजेबल आर्टिकल इज इन स्टॉक एट द मटेरियल टाइम। अभी क्या कह रहा है सर, ये सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर वेयरहाउस में कोई शराब का स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि वेयरहाउस में कोई एक्साइजेबल आर्टिकल जो कि स्टॉक में है और आपने क्या है उसका पेमेंट कर दिया, आप 2 महीने बाद के आने वाले थे, और तब तक क्या हुआ, तब तक जो है वो रेट जो है यानी कि जो टैक्स है उसका दाम बढ़ गया या कम हो गया, तो अगर रेट बढ़ा तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देके ही वो वेयरहाउस से लेके जा पाएंगे, और अगर कम हुआ तो जिस पर्सन को आपने पैसा दिया था, वेयरहाउस का जो होल्डर था, उसको आपको बाकी का बचा हुआ पैसा वापस करना होगा। तो ये हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग बात थी, ये हम यहां पे दोबारा देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ड्यूटी इंपोज सेल फ्रॉम वेयरहाउस, अगर भाई कोई ड्यूटी लगाई गई है सेल फ्रॉम वेयरहाउस से, वो कौन से रेट पे होनी चाहिए, जिस दिन से वो जो है जिस दिन वो खरीदारी हो रही है उस दिन जो ड्यूटी थी उसी रेट पे होनी चाहिए। और उसके बाद सबसेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है, रेट ऑफ ड्यूटी एनहांस्ड और रिड्यूस्ड आफ्टर पेमेंट, अगर पेमेंट हो जाने के बाद जो है वो टैक्स का दाम या तो बढ़ गया या तो वो कम हो गया, एक्साइजेबल आर्टिकल इन स्टॉक, और जो एक्साइजेबल आर्टिकल है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है, यानी कि अभी भी वेयरहाउस के अंडर ही पड़ा हुआ है, तो अगर आपको उस एक्साइजेबल आर्टिकल को अपने साथ लेके जाना है तो वो जो लेवी है लाइसेंस होल्डर को या तो उसको रिकवर करना पड़ेगा बाकी का पैसा, यानी कि बाकी का पैसा जो वेयरहाउस का मालिक है वो उससे और एक्स्ट्रा मिलेगा अगर टैक्स बढ़ गया हो, और या तो फिर वो क्या करेगा, वो अपने पेमेंट को और ज्यादा अगर कम हुआ होगा तो जो बाकी का पैसा है वो उससे वापस ले लेगा। ठीक है सर, तो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 27 जो कि बात करता है पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीज। जैसा कि हमने सेक्शन नंबर 18 में देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, लोगों को लीज दे सकती है ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकें या क्या कर सकें, कुछ कल्टिवेट कर सकें या बेच सकें इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट्स को इस एक्साइज एक्ट के अंतर्गत। तो यहां पर क्या बात करी जा रही है, यहां पर कह रहा है इंस्टेड ऑफ और ऑन एन और इन एडिशन टू एनी ड्यूटी लेवियबल अंडर दिस चैप्टर द स्टेट गवर्नमेंट मे एक्सेप्ट पेमेंट ऑफ अ सम इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18। ये क्या कह रहा है, इंस्टेड और इन एडिशन, इसका मतलब क्या है कि यानी कि कोई अगर टैक्स यानी कि कोई भी टैक्स अगर स्टेट गवर्नमेंट वसूल रही है तो उसकी जगह पे वो क्या कर सकती है, अगर लीज दे रही है तो उसकी जगह पे वो पैसे वसूल सकती है, या अगर उसको जरूरत लगी तो वो क्या कर सकती है, अगर कोई टैक्स वसूल रही है तो उसने अगर लीज पे दिया तो टैक्स का पैसा प्लस लीज का पैसा ले सकती है, और अगर उसको लगा कि नहीं यार ये आदमी बड़ा गरीब है इसको इतनी ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं है तो बोलेगी ठीक है तुमसे हम लीज का पैसा तो ले ही रहे हैं इसलिए हम टैक्स का पैसा तुमसे नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एडिशन में चाहे तो एडिशन में और अगर उसकी जगह चाहे तो उसकी जगह पे वो क्या कर सकती है,
टैक्स का पैसा वसूल सकती है जो कि लीज के लिए लिया जा रहा है। ठीक है सर, उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? नथिंग कंटेंड इन सबसेक्शन 1 शैल बी कंस्ट्रूड टू प्रीक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एनहांसिंग और रिड्यूसिंग द सम रिसीव्ड इन कंसिडरेशन ऑफ अ ग्रांट ऑफ एनी लीज अंडर सेक्शन 18। क्योंकि सेक्शन 18 में ही हमने पढ़ा था कि क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, लीज ग्रांट कर सकती है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ अ लाइसेंस एंड द पावर टू एनहांस और रिड्यूस द सम शैल इंक्लूड पावर टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है सर? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आपने अभी जो डिसीजन दिया है वो पास्ट में भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। टू सच एनहांसमेंट और रिडक्शन फ्रॉम अ डेट नॉट अर्लियर देन द कमेंसमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्या बकवासी बात कहने की कोशिश कर रहा है ये घटिया सा सेक्शन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर अगर मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या किसी प्रकार की लीज ग्रांट करी। लीज ग्रांट करने का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए उसने अपनी एक जमीन दी और बोला यहां पे तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लो। अब उसके लिए वो उससे कुछ पैसा लेगा। अब अगर वो पैसा ले रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ लाइसेंस देने से पहले भी उससे टैक्स लेगा। भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, तो आपने सरकार से जमीन ली उसके लिए आप लीज का पैसा दे रहे हो, फिर आपने लाइसेंस लिया तो उसका पैसा दे रहे हो, उसके बाद आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उस पर टैक्स लगेगा उसका भी पैसा दे रहे हो। तो ये सेक्शन केवल ये कह रहा है कि अगर वो बाकी इतने सारे पैसे दे रहा है तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उससे लीज का पैसा ना ले सकती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मना कर सकती है कि ठीक है तुमसे इतने पैसे हमने ऑलरेडी वसूल लिए, तुम लीज का पैसा मत दो, ये बिल्कुल लीगल बात है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई हम तुम जो बाकी के पैसे दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, उसके साथ ही साथ तुम्हें लीज का पैसा भी देना होगा, तो वो भी बिल्कुल लीगल होगा, वो ऐसा कर सकती है। उसके साथ ही साथ सबसेक्शन 2 हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लीज का पैसा अगर वसूल रही है सेक्शन 18 के अंतर्गत तो वो क्या करेगी, उसको बढ़ा या कम भी सकती है। अगर वो बढ़ाएगी या उसको कम करेगी तो वो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने 15 सितंबर को बोला कि हां सर आज से तुम्हारा जो लीज का पैसा है वो बढ़ाया जाता है, तो वो बैक डेट से उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। लेकिन वो बैक डेट कितनी बैक डेट हो सकती है? फाइनेंशियल ईयर के टर्म में, यानी कि अगर वो डिसीजन दिया गया है 15 सितंबर को तो उसको इफेक्ट में लाया जा सकता है। कब से उसको इफेक्ट में लाया जा सकता है? 1 अप्रैल से। ये 15 सितंबर 23 में डिसीजन लिया गया था, 1 अप्रैल 23 से उसको इफेक्ट में ला सकती है, यानी कि उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकती है। ये कहता है हमें सेक्शन नंबर 27। अब हम आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये 27A। ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? सेविंग्स फॉर ड्यूटीज बीइंग लेविड एट कमेंसमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि पता है हमें ये एक्ट का ईयर है 1915। अब ये एक्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी पुराना है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम का यानी कि कॉलोनियल ईरा का लॉ है। तो यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता था ये बताना कि उस समय की जो प्रथाएं चल रही थी उसके लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको फटाफट पढ़ते ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये कहने की कोशिश कर रहा है, अंटिल प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी इज मेड बाय द पार्लियामेंट द स्टेट गवर्नमेंट मे कंटिन्यू टू लेवी एनी ड्यूटी टू व्हिच दिस सेक्शन अप्लाइज व्हिच इट वाज लॉफुली लेविंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द चैप्टर एज देन इन फोर्स। यानी कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तक कि पार्लियामेंट कोई दूसरा विरोधाभास वाला लॉ ना बना दे, यानी कि जब तक कि पार्लियामेंट जो है इसके अगेंस्ट कोई लॉ ना बना दे, तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अलग अलग टैक्सेस जो है इस एक्ट के अंतर्गत लीगल तरीके से वसूल रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद भी वसूलती रहेंगी, उनका वसूलना कहीं से भी गलत नहीं हो जाता, यानी कि आजादी के बाद भी वो ऐसा कर सकती है। कब तक कर सकती है? जब तक कि पार्लियामेंट जो है कोई कॉन्ट्ररी लॉ ना बना दे। ठीक है सर, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, द ड्यूटीज टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर। अब इस सेक्शन में टैक्सेस के बारे में बात कर ली, ड्यूटीज के बारे में बात कर ली, तो वो कौन कौन सी ड्यूटीज है जिनके ऊपर सेक्शन अप्लाई होगा? तो वो है एनी ड्यूटी ऑन इंटॉक्सिकेंट्स विच आर नॉट एक्साइजेबल आर्टिकल्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, यानी कि उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कि इस एक्ट के अंतर्गत एक्साइजेबल आर्टिकल के अंडर में नहीं आते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा एक्साइजेबल आर्टिकल है जो कि इस एक्ट के अंतर्गत नहीं दिया है कि उसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट उससे पैसा वसूल सकती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वसूल रही है, तो वो वसूलना एकदम लीगल होगा जब तक कि पार्लियामेंट ना बोल दे कि ये चीज गलत है। उसके बाद एनी ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोड्यूस आउटसाइड इंडिया एंड इंपोर्टेड इनटू द स्टेट वेदर अक्रॉस अ कस्टम्स फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट। यानी कि कोई भी ऐसा टैक्स जो कि किसी ऐसे शराब पे या किसी ऐसे एक्साइजेबल आर्टिकल पे लगाया जा रहा है जो कि क्या है, इंपोर्ट करी जा रही है इंडिया के अंदर और स्पेसिफिकली उस स्टेट के अंदर, और उसने क्या कर रखा है, अक्रॉस द कस्टम्स फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइंड कस्टम्स फ्रंटियर यानी कि कस्टम लाइन जो होती है हमारे इंडिया के बॉर्डर के बाहर से कोई चीज स्टेट के अंदर मंगवाई जा रही है उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है तो वो भी वैध होगा जब तक कि पार्लियामेंट ना मना कर दे कि ये टैक्स लगाना गलत है। उसके बाद नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथोराइज द लेवी बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनी ड्यूटी इन विच एज बिटवीन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट
and similar goods not so manufactured or produced discriminates in favor of the former, or which the case of goods manufactured or produced outside the states discriminates between goods manufactured or produced in locality, similar goods manufactured or produced in another locality. अभी क्या कह रहा है, अब इसको समझने के लिए हम पहले टेबल को समझते हैं और उसके बाद हम आखिरी वाले पॉइंट पे आएंगे. तो सेक्शन नंबर 27A का सब क्लॉज 1 ने हमें क्या बताया कि जब तक कि पार्लियामेंट कुछ कॉन्ट्ररी ना बोल दे, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो टैक्सेस वसूल सकती है जो वो वसूलती आ रही है. सबसेक्शन 2 ने इसकी बात को और स्पेसिफाई किया, वो ड्यूटी कौन सी हो सकती है, वो उनके ऊपर ड्यूटी हो सकती है, यानी कि वो टैक्सेस वो जो वसूल रही है ऐसे एक्साइजेबल आर्टिकल में जो इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत नहीं दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट वसूल सकती है लेकिन फिर भी वो टैक्स वसूल रही है उन पे, तो जब तक पार्लियामेंट मना ना कर दे तब तक वो करती रहेगी. उसके बाद क्या बोला, एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोड्यूस आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो ऐसे एक्साइजेबल आर्टिकल जो कि इंडिया के बाहर प्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में, अब वो अपने स्टेट में इंपोर्ट कर रही है, तो जब तक पार्लियामेंट ना मना कर दे तब तक वो करती रहेगी. और उसके बाद आखिरी जो सबसेक्शन है उसने हमें क्या बताया, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड विद इन द स्टेट एंड सिमिलर गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट और लोकैलिटी. और तीसरा सबसेक्शन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि जो सिमिलर प्रोडक्ट जो है, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर कोई शराब बन रही है और वैसी शराब जो है वो कहां बन रही है, मध्य प्रदेश में, और वो दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन करके अपनी शराब को क्या करने के लिए, सस्ता बनाने के लिए, ज्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए उसने क्या किया, बहुत ज्यादा टैक्सेस में छूट दे दिया, इसमें इसके टैक्सेस बढ़ा दिया, इसके कम कर दिया. अगर सेम टाइप के आर्टिकल है चाहे वो लोकली हो या ना हो, आपको उसमें सेम तरीके की वैल्यू देखनी पड़ेगी. अब यहां पे बात करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मतलब कि जब इंडिया के बाहर से कोई शराब आती है तो आप क्या करते हैं उसके रेट को मैच करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे फर्क क्या है, वहां काउंटरवेलिंग ड्यूटी में रेट को मैच करने के लिए ये टैक्सेस को बढ़ाया या कम किया जाता है, जबकि इस वाले केस में अपने लोकल प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए दूसरे के टैक्स इतने बढ़ा दिए ताकि इसका रेट हमेशा कम लगे. दोनों में फर्क है. तो यहां पे हमारा वीडियो लेक्चर खत्म हुआ. किसके ऊपर सर? हमारे एक्साइज एक्ट के चैप्टर 5 के ऊपर. अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग हार्ड एंड कीप स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू. अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ. आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें. हमेशा आपके साथ टीम कोको.